हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं पता नहीं क्या, क्योंकि अभी हम लोग सो के उठे और नाश्ता तो हो गया था हमारा। बस ये कि प्लान कर रहे हैं कुछ कि आज कुछ किया जाए, तो एक जगह है जाने का प्लान, तो देखते हैं कौन कौन होता है कौन नहीं होता। अभी ना दो के हमें रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं किस तरीके की कंडीशन हो रही है हमारी, सारे बिगड़ा पड़ा है, ये टी शर्ट वगैरह सब चेंज करेंगे अभी ना दो के, फिर आपसे मिलेंगे हम लोग ब्रेक के बाद। तो भाइयों नहा धो के तो मैं रेडी हो चुका हूँ। ये कि फ़ोन किया था मैंने दोस्तों को, तो कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा उन लोगों की तरफ से, तो मैं तो अपनी तरफ से रेडी हूँ, जैसे इनका फ़ोन आएगा फिर निकलेंगे हम लोग। बाकी ये कि बाल वाली बना लिए, छत पे आ चुका हूँ मैं अपनी धूप लेने के लिए थोड़ी सी। मैंने कहा कि यार सब थोड़ी सी धूप ले लेना अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। और ये कि तहसील भी आ चुका है यहाँ पर, तहसील जो है हमसे नाराज़ है, कह रहा है कि मुझे भी जाना है, लेकिन हम इसको लेके नहीं जाएंगे आज, क्योंकि हम दोस्त वोस्त जा रहे हैं तो उसका कोई काम नहीं है वहाँ पे, लेकिन ये जिद कर रहा है फालतू में और अभी ये मुंह बना रहा है। देखें क्या हुआ तहसील, तुझे जाना है क्यों? तो भाई ये कि लड़का नीचे आ चुका है और फ़ोन किया उसने कि नीचे उतर जाओ, तो मैं अपना बैग पैक कर रहा था और ये भी वापसी कराना था, क्योंकि इसका क्लिक और स्क्रॉल जो है बिल्कुल बकवास है, और हमने सदर से लिया था ये 200 रुपये का, तो पॉसिबिलिटी अगर मौका मिला तो वो इसको भी ज़रूर वापसी कराएंगे, तो वही चलते हैं बस। अपने ये माइक और ट्राईपॉड भी लेके जाएंगे साथ में, क्योंकि वहाँ पर जो हवाएं चल रही होंगी तो अगर प्रॉब्लम ना हो हमें ज़्यादा, अगर कॉन्टेंट हमारा ख़राब हुआ तो पूरा दिन बेकार जाएगा, इसलिए इसको भी रख लेते हैं साथ में और इससे शूट करेंगे। तो प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, इसलिए मैंने ये बोतल भर ली है और बैग शेक भी रेडी हो चुका है, बस चलते हैं फिर नीचे। पहले इन लोगों को अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं ये लोग बैठे हुए यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। ठीक है तहसील, एटीएम मॉल पहुँचे हैं, लेकिन ये कि दोस्त का इंतजार करते करते बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी तक आया नहीं, सारे ने बोला था यहीं पे खड़ा हुआ है और इंतजार कर रहे हैं, आया भी आपके पास आ जा, आ रहा है पता नहीं कहाँ घूम रहा है, आते तो देखते हैं। ये आ चुका है बंदा जिसका इंतजार कर रहे थे काफी देर से। क्या क्या करा, क्या हुआ? तू कह रहा था मैं बाइक पे नहीं हूँ। मेरी बाइक उठ चुकी है भाई, हम लोग निकल चुके हैं अभी, लेकिन ये कि बहुत लेट हो चुके हैं, अभी हो जाएगा कुछ ही देर में, नहीं होगा, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे, तेरा भी होने देंगे हम। ये भाई कह रहे हैं कि यार अंधेरा नहीं होगा, लेकिन हमें लग रहा है कि अंधेरा हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे देर में आप लोग आप लोग ये रास्ते में हमें फेरियर होल आ गए, क्योंकि लेट हो रहे थे और टाइम जो कम था, अंधेरा हो जाता जल्दी, तो सी वी यू के कंटेंट में मज़ा नहीं आता आप लोगों को भी, अंधेरे में फिर फ़ायदा नहीं है ना, तो ये कि फेरियर होल आएँ और यहाँ पर जो है इंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है, वैसे चेक करें आप भी। आजकल जो नाम दिया हुआ था वो दिया हुआ था टिकटॉकर्स लैंड, क्योंकि यहाँ पर टिकटॉकर्स काफ़ी आ रहे थे अपना कॉन्टेंट बनाने के लिए, और लेकिन अभी यहाँ पर कोई इवेंट चल रहा है, हम लोग भी मालूम करने के चक्करों में कि कौन सा इवेंट है यहाँ पे, रंग बिरंगी लट्टू कितने का है? 300। अभी यहाँ पे कोई गैलरी वगैरह मतलब एग्जीबिशन चल रही है यहाँ पे, आर्ट गैलरी एग्जीबिशन चल रही है यहाँ पे, जैसे कि बोल रहे हैं कि यहाँ पर एग्जीबिशन चल रही है और ये कल तक चलेगी, यानी कि आज सैटरडे और संडे तक चलेगी ये,
लोगों को काफ़ी रुझान है, यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं। इसी ने बहुत प्यारा मसाला से फेयर रोल का जिसमें बना दिया है यहाँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी पेंटिंग है। सारे यहाँ पर आर्टिस्ट मौजूद हैं, आर्टिस्ट ये भी मौजूद हैं यहाँ पे, ब्लॉगर नया नया जो कि यहाँ पर आर्ट चेक करने के लिए आया है और कर ही रहे हैं अभी। बहुत ही प्यारा आर्ट बना है, लाइफ पेंटिंग चल रही है यहाँ पे। से गुजर रहे थे तो एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग मिली है, आप लोग भी ज़रा चेक करें किस तरह के काम हुआ है। बहुत प्यारा वर्क किया भाई, ये छापने की कोशिश की गई है। कमेंट करके बताएं किस तरीके का लगा आपको आर्ट। हम आपको आती है पेंटिंग करना? अल्हम्दुलिल्लाह आती है, पहले एडमिशन भी लिया था और तुमने बाकी में किया नहीं किया? काट दिए उसको। सब लोग अपने आर्ट करने में मसरूफ हुए हैं। पेंटिंग्स देखने को मिल रही है फार्म, लेकिन यार ये वो पेंटिंग थी ना मशहूर जिसमें जो घोड़ा घास खा रहा था, वो आपने वाली देखी आपने? नहीं, थोड़ा सा आप डिटेल करें तो शायद याद आ जाए मुझे। जो घोड़ा घास खा रहा था, लेकिन मुझे फिर बाद में घास जो गायब हो गई और घोड़ा भी चला गया था फिर। तो इसलिए चला गया था क्योंकि घास खत्म हो गई थी ना उसके पास, इसलिए घोड़ा भी चला गया। जाहिर सी बात है, जब घास खत्म हो जाएगी तो घोड़ा चला ही जाएगा अपने घर। तो यहाँ पे तीसरा कार्ड भी है। आप क्या कर रही हैं? अलग अलग तरीके का बिल्कुल लाइन को फॉलो कर रही हैं। अगर आप वर्क कर रहे हैं ऐसे बनी हुई है ये वाली इसी लाइन को फॉलो सेम सेम लाइन है वो, और ये तो थोड़ा सा भी झाड़ियों के पीछे घूमने में लगा हुआ ये कुल्फी वाले के साथ। पूरी पेंटिंग बनाई है हम लोगों ने, मिल गए ज़्यादा काम मैंने किया इसमें, मज़ा भाई ने बनाई है, भाई को ज़्यादा दिखाओ। ये भाई ने बनाई है सबसे ज़्यादा पेंटिंग, इसमें मेहनत सबसे ज़्यादा भाई की। यहाँ फेयर हॉल में आप जहाँ भी नज़र डालेंगे वहाँ पर सारे आपको आर्टिस्ट नज़र आएंगे। कौन से स्कूल से आए हम? NJV। वैसे यार थोड़ा सा आर्ट का समझाएंगे किस तरह किस बारे में बनाया था ये? सर मैंने बनाया कि इंडिया और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप जब होगी, मज़हब को हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। सही कहते ना कि आपका मज़हब गलत है, आपका मज़हब गलत है, ये हमें नहीं कहना चाहिए। हमें फ्रेंडशिप बनानी चाहिए और मज़हब को अपनी हद तक उसे कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब आप मैसेज देना चाह रहे थे एक बेहतरीन, बहुत अच्छा आर्ट वर्क बनाया आपने माशाल्लाह से, बहुत अच्छी आपने कोशिश की है बनाने की, और अल्लाह ताला को यूँ ही कामयाब करे और बेहतरीन। थैंक यू। लड़के जो हैं यहाँ पर जो आए मुख्तलिफ स्कूल से, एकेडमी से स्कॉलरशिप पे आए कोई, और लेकिन ये कि बेहतरीन मैसेज देना चाह रहे थे अपने, हर कोई अपने आर्ट वर्क में कुछ ना कुछ इनपुट करना चाह रहा है, अपना इनपुट देना चाह रहा है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहा है। और देख के अच्छा लगा कि इस तरह की आर्ट गैलरीज यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब इवेंट होते हैं इस तरह के,
और नौजवानों के लिए बहुत अच्छा है, इनके यूथ के लिए, कि इस तरह की माहौल भी होना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम कामरान अली है और मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ, जामशरों से मेरा ताल्लुक है। क्रेसेंट आर्ट गैलरी की जानिब से ये इवेंट मुनक्कद किया गया है यहाँ पर फेयर हॉल में, और लोकल आर्टिस्टों को इनवाइट था कि यहाँ पर एक कॉम्पटिशन है स्काई आर्ट कॉम्पटिशन के नाम से। मैं फिर से मैंशन करता चलूँ कि क्रेसेंट आर्ट गैलरी की जानिब से मुनक्कद किया गया है, तो हमें ये एक टास्क दिया गया कि आप पाकिस्तान का कोई भी मोन्यूमेंट उठाएं, कोई भी हेरिटेज साइट उठाएं और उसको पेंट करें। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है बहावलपुर का नूर महल, मैं उसको कंप्लीट करने जा रहा हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि क्रेसेंट आर्ट गैलरी ने ये मेला सजाया है, और हमें जो स्पेस नहीं मिलता हमारे लिए एक स्पेस क्रिएट किया है, हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है काम करने के लिए। सो जैसा है कोई 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 फी नहीं इसकी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर किसी को इसमें हर आर्टिस्ट को अलाउड था कि जो भी आर्टिस्ट है जो भी पेंटिंग करना चाहता है, जो जानता है इसको पेंट करना आता है, वो आके उनसे चीज़ें ले, कैनवासिस ले, पेंट ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा आर्ट करे, अपना बेस्ट दे और यहाँ से इनाम जीत कर जाए। बेहतरीन। तो ये कॉम्पिटिशन है, इसका अनाउंसमेंट कब होगी फिर? इसकी अनाउंसमेंट में भी कल शाम को हो जाएगी। ठीक है, जब अब ये आप जो आर्ट ये बना रहे हैं ये बेसिकली कहाँ पर प्लेस की जाएंगे फिर? ये हो सके कि अंदर गैलरी में डिस्प्ले हो या फिर ऐसा हो कि एक ज्यूरी बैठे और यहाँ पर हाल में ही ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे इजल्स, यहाँ पर ही इनका सेटअप बनाया जाए, तो जजेस बैठेंगे, ज्यूरी बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि। और कॉम्पिटिशन में जो फर्स्ट वगैरह पोजीशंस वगैरह जो हैं उसके कोई प्राइस भी अनाउंसमेंट है कि नहीं? हाँ, प्राइजेस हैं, बहुत हैवी प्राइजेस हैं। फर्स्ट प्राइस है 15 लाख की, सेकंड प्राइस है 10 लाख, एंड थर्ड जो है फिफ्थ, और टॉप 10 आर्टिस्टों को 10,000। ठीक है, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। भाई बता रहे थे कि अलग अलग जगह से लोग आए, कोई उनसे स्कूल से आया, कोई किसी अकेडमी से आया, बाकी हमने भी आज पेंटिंग की है और हमें भी अच्छा लगा कि किस तरीके से लोग मेहनत करते हैं। और आर्ट मुश्किल इतना आसान नहीं है हमें लगता है कि पेंटिंग कर लेना, और ब्रश पकड़ना भी एक पहले तो ब्रश पकड़ना सीखना चाहिए इसमें, तो बात तो ये कलर चॉइस होती है। फिर शर्ट पे जो है आर्ट बनाया हुआ है भाई आपने, यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ है होता है आपने खुद बनाया, मतलब एक दफा लगा शर्ट दी आपने। एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत खास अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ तमाम मौजूद स्टूडेंट्स के लिए कि अब सर मसूद इरफान, अ वेरी रेनाउंड पर्सनालिटी आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, वी हैव सर चित्रा प्रीतम विद अस। जब मैं यहाँ एंटर हुआ था पार्क के अंदर, जब ये पेंटिंग शुरू हुई थी, वो फर्स्ट क्लिप ये मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये माशाल्लाह से फाइनल पोजीशन पे चल रही है और बहुत ही बेहतरीन आर्ट वर्क दिया है। एक ये पेंटिंग भी मैंने आपको दिखाई थी शुरू में ही। तो भाइयों कैसे लगा तुम लोगों को बोलना? बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे आगे, ये एकदम सीडियो निकल रहा है, तो अचानक नज़र पड़ी तो मैंने इन सबसे कहा यार यहाँ चल के फिर हॉल में आर्ट गैलरी हो रही होगी देखते हैं। जब यहाँ अंदर आया इन लोगों को लेके मैं, तो बहुत मज़ा आया इन लोगों को भी और मेरे ख्याल से हमने फैसला अच्छा किया था कि हम लोग यहाँ पर आ गए। दूर के सफ़र से अच्छा था, ये गरीबी सफ़र में हमने बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल कर लिया। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी हम कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे जिससे आप लोगों को दिखाते हैं। बिल्कुल, दूसरों को घर पर लेके चलते हैं। क्या कहते हैं? नहीं भाई ऐसे शौक नहीं है, टूटा हुआ लग रहा है। चलो भाई प्लान कैंसिल कर देंगे तो उसको ले आते हैं हम लोग। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अंधेरा होने वाला है कुछ ही देर में। और ये कि आज का व्लॉग जो था आर्टिस्टिक रहा हम लोगों के लिए, और आर्ट गैलरी में आप लोगों भी आई होप पसंद आया होगा और इन्जॉय किया हो आप लोगों ने आज का व्लॉग, इसलिए सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं। अल्लाह हाफिज़।